से अगली खबर आपको बताते हैं। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला के कार्यक्रम तय हो चुके हैं, आज कार्यकर्ताओं से मुलाकात की जानी है। आरकेएम पैलेस में ये कार्यक्रम रहेगा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। तो आपको बता दें कि जब से 14 दिन की फरलों पर बाहर आए हैं ओपी चौटाला, लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और आगे की रणनीति भी बनाई जा रही है विधानसभा चुनाव की। लेकिन जो हार हुई, जो करारी हार लोकसभा चुनाव में हुई, उस पर भी मंथन जारी है। उस पर भी क्या वजह रही ये जानने की कोशिश की जा रही है। आज एक बार फिर से कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। तो कैसल से लगातार आपको अहम खबर बता रहे हैं। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला के कार्यक्रम तय हो चुके हैं और आज भी कार्यकर्ताओं से मुलाकात उनकी रहने वाली है। ज्यादा जानकारी लेंगे राकेश कथुरिया से, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। और राकेश, आज आरकेएम पैलेस में कार्यक्रम रहने वाला है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? जी सीनम, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस दिन से ओपी चौटाला जो इनेलो सुप्रीमो फरलो पे आए हैं, लगातार जो कार्यकर्ताओं के संपर्क में जा रहे हैं और जो पार्टी को एक नई ऑक्सीजन और एक नया जोश भरने की जो सोच से लेकर कार्यकर्ताओं के बीच में आ रहे हैं, और आज इसी को लेकर कैप्सूल में भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जी सीनम, बिल्कुल राकेश। उसके अलावा अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो है हार को लेकर मंथन पहले भी किया जा चुका है, आज एक बार फिर से जो है हार को लेकर मंथन भी होगा और आगे की रणनीति भी बनेगी। जी सीनम, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे इनेलो सुप्रीमो जो ओम प्रकाश चौटाला पर कार्यकर्ताओं का जो विश्वास है, उसी की एक उम्मीद है पार्टी को कि जो कार्यकर्ताओं में ओपी चौटाला की तरफ से जो जोश भरा जाएगा, शायद आने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ पार्टी अपना दमखम जो है दिखा पाएगी। जी सीनम, राकेश करीबन कितने बजे आरकेएम पैलेस में पहुंच जाएंगे ओपी चौटाला? जी सीनम, मैं बताऊं, लगभग 12 बजे का जो समय है मीडिया को दिया गया है, लगभग 12-1 बजे के करीब जो है कैप्सूल में ओपी चौटाला पहुंचेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश कथुरिया, तमाम जानकारी के लिए।